मैडम बोलो 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 मैडम मैडम बोलो वन सेकंड वोटर मैडम यहां पे अंदर आइए गाइस 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 गंगा जी यहां पे गंगा जी बोलो बोलो जनाब मैम लेफ्ट लेफ्ट कंगना मैम लेफ्ट 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 कंगना मैम लेफ्ट मैम लेफ्ट एक झोले उठा दीजिए ना वहां से सबसे पहले तो ये जो आपका ब्राइडल मनी कनिका मैम लुक है, लेकिन आपसे और यहाँ पे भी आप लुक में प्रेजेंट हैं, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है बहुत ज़्यादा बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है या जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है, और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। बट वी हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू हैव एन एसोसिएशन विद आम्रपाली फॉर द फिल्म। कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का, उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है, लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि ये डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे, वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, माफी मैं कभी किसी चीज के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं, लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे की बेटी है, तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है, और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए, और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। नहीं, वेल, हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं, और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं, और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पर पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं। वेल, उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फिल्म इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो, और सद्गुरु मेरे गुरु हैं, और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में, वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है, मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पर आप विश्वास कर सकें, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में। और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच।
थैंक यू थैंक यू।